एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम फल कथन की जो सीरीज चालू की है उसमें आज हम चर्चा करेंगे कि जो वक्र ग्रह होते हैं उसका कैसा फल प्राप्त हो सकता है, उसकी संक्षिप्त जानकारी इस कुंडली के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे कि हम जानने का कोशिश करेंगे कि जब भी वक्र ग्रह का अगर फल कथन कहना है तो कैसा कहा जाएगा, तो उसकी जानकारी हम इस कुंडली के माध्यम से दे रहे हैं। तो आप जानिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न के जो कुंडली है उसमें हमको मालूम है कि जो शनि है वो योग कारक है, तो योग कारक होके वो भाग्य भाव का स्वामी है और कर्म भाव का स्वामी है। तो ये भाग्य भाव और कर्म भाव का स्वामी होके अगर वो शनि वक्री होके कहीं बैठ जाता है, जैसे यहाँ शनि वक्री होके चौथे भाव में बैठ गया है, तो इसका जो फल है या सूत्र है वो ये है कि ये सुख भावों का स्वामी हो गया, यानी कारक हो गया। इस लग्न के लिए शनि कारक है, तो अगर जो ये कारक है तो उसने क्या किया है कि वो दशम भाव नवम भाव मतलब भाग्य भाव और दशम भाव जो कार्य भाव है उसका स्वामी होके वो बैठ गया है, आपके सुख भाव में बैठ गया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वो जिस भावों का स्वामी है वक्री ग्रह वो अगर कारक है तो उसके फल में वृद्धि करेगा, मतलब आपका भाग्य का फल अच्छा मिलेगा, आपको कर्म का फल अच्छा मिलेगा। परंतु वही भाव वो ग्रह अगर कहाँ बैठा है, वो वक्री ग्रह कहाँ बैठा है, मान लो शनि है वक्री होके चौथे भाव में बैठ गया है, तो यहाँ के जो फल है उसमें कमी कर देगा, मतलब वहाँ झंझट पैदा कर देगा, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हमको मालूम है कि यहाँ पे चौथे भाव से सुख शांति देखते हैं, मातृ सुख देखते हैं, मातृभूमि देखते हैं, जमीन ज्यादा वाहन सुख देखते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ के जो भी जमीन जायदाद वगैरह में कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, आपको आपको अपने जन्म स्थान से भी दूर कर देगा, वहां से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरह से जो जिस भाव में वो शनि वक्री ग्रह बैठता है उस फल में उतार चढ़ाव पैदा कर देता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसने इस वक्री ग्रह ने यहाँ के तो फल अच्छे दिए, जहाँ वो योग कारक था तो योग कारक होने के कारण इसके फल अच्छे प्राप्त हुए, भाग्य के फल अच्छे प्राप्त, कर्म स्थान के फल अच्छे प्राप्त हुए। परंतु जब वो जहाँ बैठ गया उस भाव के सुखों में कमी, सुख भाव है तो सुख भावों में कमी कर दिया, उतार चढ़ाव पैदा कर दिया। अगर ये शनि दूसरे भाव में बैठा तो कुटुंब में और आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव पैदा कर देता है। अगर वो लग्न में बैठता है तो व्यक्तित्व में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये अगर वो यहाँ बैठता है सातवें भाव में तो वैवाहिक जीवन है व्यापार में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वक्री ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ पे जो फल है वो खराब करता है, वहाँ पे उतार चढ़ाव पैदा करता है। परंतु जिस भाव के स्वामी है उस भाव के लिए वो बहुत अच्छा है, वो तो यहाँ भाग्य के लिए अच्छा है कि भाग्य भाव का स्वामी है और वो कर्म भाव का स्वामी है और योग कारक ग्रह है। तो आप अपने जो भी लग्न की कुंडली है अगर वो योग कारक ग्रह के वक्री होता है तो वो उस भाव के लिए तो वृद्धि करता है, उसके फल अच्छे देता है। परंतु जहाँ पे वो वक्री ग्रह बैठ जाएगा तो उस भाव में हमें उतार चढ़ाव पैदा कर देगा। तो ये संक्षिप्त जानकारी देने का हमने फल कथन में बताने का प्रयास किया है। तो आप अपनी कुंडली में भी इनको अप्लाई करके देख लीजिए और आपको इस तरह से जैसा फल हमने बताया वो आप उस तरह का फल आपको ऐसा प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाएगी। तो आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को क्लिक भी कीजिए। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपॉइंटमेंट परामर्श भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।